और चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री महेश जोशी का बयान सामने आया है अपने बेटे के आरोपों पर, बोले महेश जोशी। क्या सुना, क्या कहा आपने, मुझे बताया। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं पूरे जीवन सत्य और न्याय पे रहा हूं। जैसा आपने बताया, मीडिया ने बताया कि कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है, पुलिस निष्पक्षता के साथ में, गहराई के साथ में और सख्ती के साथ में उसकी जांच करे। ये प्रकरण हो या कोई और प्रकरण हो, मैं हमेशा न्याय और सच्चाई के साथ रहूंगा। मैंने कहा ना, मैं तो अभी मुझे उतना ही पता जितना आपने बताया। सर, आपको लगता है कानून का अपना काम करना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए? निश्चित रूप, मैंने कहा ना, मैं सत्य और न्याय के साथ रहूंगा। लेकिन सर, एक सवाल ये होता है कि जीरो एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई, अब पीड़ित पक्ष की तरफ से तो ये दावा किया जा रहा है कि बहुत रसूख है, लेकिन ये भी बात सामने आ रही है कि भाई कुछ डिमांड भी उधर से की जाए, क्या कुछ मेल जोल है, क्या चीजें हैं? अभी कुछ भी कहना, देखिए मैं आपसे विनती करता हूँ, आपकी जिम्मेदारी बनती थी, आपको कोई एफआईआर की बात पता चली, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, आपने जनता तक वो बात पहुँचाई। अब इसमें बजाय कयासबाजी के, मीडिया ट्रायल के, पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। सर, मैं हाँ, आरोप है राजस्थान में न्याय नहीं मिला तब उसे दिल्ली जाना पड़ा। मैंने कहा ना, अभी मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मुझे बात का इतना पता जितना आपने बताया, और मुझे विश्वास है पुलिस न्याय करेगी, गहराई में जाएगी और सच्चाई का पता लगाएगी। सर, ऑपोजिशन पार्टी आपसे, मेरे कुछ भी नहीं कहना अभी, मेरे को जितना कहना था मैंने कह दिया, मैं पूरे जीवन न्याय के सच्चाई के साथ रहा हूं, और ये प्रकरण हो चाहे कोई और प्रकरण हो, मैं हमेशा न्याय और सच्चाई के साथ रहूंगा। जहां न्याय होगा वहां मैं हूँ। आपकी बात हुई है सर इस घटना के बाद? मैं तो उतरा हूँ अभी गाड़ी से, आप